अरमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके। मैं एडवोकेट जुनेद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकील साहब। अच्छा जी, बच्चे जो है ना वो ब्रेल पे अपना काम लिख रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना जो है ना इनका एक व्लॉग मैं बनाऊं कि ये अपनी जो है ना कॉपीज़ लिखते कैसे हैं, इनकी राइटिंग ये पढ़ते कैसे हैं, वो मैं इंशाल्लाह ना आपको सब अभी दिखाता हूँ। वो लिख रहे हैं ब्रेल मशीन पर, तो अभी जो आप इंशाल्लाह एंजॉय करें कि ये बच्चे जो ब्लाइंड्स हैं वो पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को लास्ट भी प्रेस करें ताकि मेरे जो व्लॉग होते हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हो रहा है यहाँ, क्या लिख रहे हो? होमवर्क कर रहे हैं हम स्कूल का। जी, होमवर्क कर रहे हो जी, ये ब्रेल मशीन पे? जी, ब्रेल मशीन पे। उस्मान भाई हमें लिखवा रहे हैं। अच्छा, उस्मान लिखवा रहे हैं जी, हम लिख रहे हैं। अच्छा, उस्मान को माशा थोड़ा बहुत नज़र आता है ना जी, वो खुद भी लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, गुड। उस्मान लिख रहे हो जी, वाह वाह। ये आप लोगों ने मे भी पहचान लिया, ये उस्मान वो हारमोनियम वाला है। ये हारमोनियम बजाने के साथ साथ ना वो ये पढ़ता भी है। उस्मान सब लिख रहे हैं और बच्चों की हेल्प भी कर रही है, जरूरी ठीक है। यहाँ अपना बैठे हैं अली भाई, यहाँ बैठे हैं और हसीब भाई। हसीब, ये इंग्लिश के लिख रहे हो उर्दू का? इस्लामियात। अच्छा, इस्लामियात लाजमी लिख रहे हो। अच्छा, ये दसवीं क्लास की है? नौवीं। अच्छा, सॉरी, नौवीं की। अल्लाह ताला नबी करीम पर अच्छा, ये ना इसके नीचे कुछ सुई लगी हुई है, इसके नीचे ना छह लगी होती हैं छोटी छोटी सी सुई का। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा डॉट्स बने होते हैं, सही सही। तो वो फिर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना ये उसके साथ अटैच होता है। अच्छा, तो पेपर में सुराख हो जाता है ये देखिए। अच्छा 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 अच्छा, छोटे छोटे डॉट्स। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और इन्हीं से पढ़ते हो आप लोग? जी से पढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा बेसिकली होते छह हैं? अच्छा, छह उर्दू और इंग्लिश दोनों को छह होते हैं? अच्छा छह ही। अच्छा, मैथ भी इसी में है? वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, नबी कुरान करीम की कामयाब इसलिए भी जरूरी थी कि अल्लाह ताला ने नबी करीम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोला करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत और रसालत के सिलसिले को माशाल्लाह आप लोगों की स्पीड बहुत अच्छी है यार। खत्म फरमा दिया। अच्छा यार, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ गलती हो जाए फिर ये देखें, अब ये मैंने तक लिखा है। अच्छा, ये इसके बिल्कुल साथ जो है। हाँ हाँ हाँ, लास्ट वाला। हाँ जी, अब इसको ऐसे नाखून के साथ रेज। अच्छा, नाखून के साथ रेज हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो बिल्कुल हाँ खत्म हो गए बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी इसी जगह पे फिर दोबारा टाइप होगा? अच्छा हाँ, फिर हो गया बिल्कुल। कोई नबी, दोनों की स्पीड चेक करें माशाल्लाह, तो एक लिखवा रहे हैं और दो ये टाइप कर रहे हैं। अच्छा, तो हसीब ये फिर पेपर कहाँ आप लोग रखते हो, मतलब ये क्यों आप लोग टाइप कर रहे हो? हमारे नोट्स बन रहे हैं। अच्छा, नोट्स बन रहे हैं, मैंने बना के रखी। अच्छा 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 अच्छा, ये कल का होमवर्क है। अच्छा, ये पढ़ के जरा सुनाओ, ये क्या लिखा है? ये सबसे ऊपर में, ये अब ऐसे पढ़ते हैं, सबसे ऊपर अपना नाम लिखा है मोहम्मद हसीब। अच्छा, इस्लामियात लाजमी नहम पेज नंबर एक। अच्छा, ये एंड पे पेज नंबर है ये वाला? जी, ये पेज नंबर। अच्छा, वेरी गुड यार। ये जो होता है ना नंबर साइन वो है, और आगे ये डॉट वन लिखा हुआ है, इसका मतलब वन है। अच्छा, जबरदस्त। फिर लिखा है बाब नंबर दो, अकीदाए रिसालत। अच्छा, गुड। उसके बाद लिखा है, ये है सवाल नंबर एक, मुख्तसर जवाब दें। ठीक है सर, ये हो गया अपना सवाल, हो गया। हाँ जी, हाँ। सवाल हो गया।
अगर ये जूस नंबर वन है, अच्छा सवाल शुरू हो रहा है, सही सालत का मायनियो मफहूम बयान करें, जबरदस्त यहाँ पे ये सवाल या निशान, अच्छा 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 एंड पे, बिल्कुल एंड पे सही हो गया। फिर आगे जवाब के लिए ये जीम हम लिखते हैं, फिर अच्छा जीम लिखते हो, अच्छा ठीक है, फिर आगे जवाब शुरू हो जाता है। हाँ रिसालत के लुगवी मायने पैगाम पहुँचाने और पैगाम पहुँचाने के हैं और पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल का कहते हैं। ज़बरदस्त, इस तरह से सही 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 माशाल्लाह गुड। अली आप पढ़ के सुनाओ थोड़ा सा, आपने क्या लिखा है? मैंने भी यही लिखा था, सन सॉरी, अच्छा इस्लामी आलाज़मी लिख रहे हो? हाँ जी जी। तो ये और बच्चों को भी आप लोग देते हो कि ये पढ़ो या उनके लिए अलग टाइप होता है? हो सकती है ये भी। अच्छा जी सही सही, अच्छा ये क्या है लिखा है पढ़ो जरा। ये मैंने ये सवाल किए हैं मैथ के नोट्स। अच्छा अच्छा मैथ के हैं नोट्स, अच्छा जबरदस्त। ये मैंने और जो अभी टाइप कर रहे हो ये है अपना उसका इस्लामियात लाज़मी का जी। जबरदस्त, और उस्मान ये आप इस पे लिखते हो जी? और ये आप ब्रेल यूज नहीं करते? नहीं नहीं मुझे ब्रेल नहीं आती है। अच्छा बिल्कुल आती नहीं है? नहीं बस थोड़ी सा लिख लेता हूँ, ए बी सी और अलीबे वगैरह ये यहाँ तक। अच्छा वो लिख लेते हो? और ये मैं पॉइंट बनाया ये जितना लिखा है। अच्छा अच्छा ये आपको मतलब, और आपको पेपर में राइटर की जरूरत नहीं होती? नहीं होती जी जी वैसे। अच्छा आप खुद पेपर लिखते हो जी? अच्छा जबरदस्त, चलो शुक्रिया यार आप लोग, आप करो अपना काम। थैंक यू यार, शुक्रिया यार। इनका मतलब नॉलेज और माशाल्लाह हम आंखों वालों के लिए कितनी अल्लाह ताला ने आसानियां रखी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है ना इनको एक नेमत से जो है ना वो महरूम किया, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं बच्चे, बहुत कॉन्फिडेंट और लायक बहुत हैं माशाल्लाह, मेहनती हैं, पढ़ते रहते हैं। अब देखें ये होमवर्क कर रहे हैं, बाकी जो है ना इनका आप लोगों ने देख लिया है पढ़ने का स्टाइल, हालाँकि ये काफ़ी मुश्किल है ब्रेल इन ब्लाइंड्स की, तो माशाल्लाह ये पढ़ लिख रहे हैं। तो ठीक है जी, आज के व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।